तो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की पर्टिकुलर जॉब अपडेट होने वाली है दो डिफरेंट कंपनी पे, जिसमें पहली कंपनी आपकी होटल इंडस्ट्री से आती है JW मैरियट, और सेकंड कंपनी आपकी बिग फोर कंपनी EY की तरफ से आती है। मतलब अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो या आप यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ऑसम अपडेट होने वाली है। और सैलरी पैकेज काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। फ्रेशर लेवल पे आपकी सैलरी रहेगी अप टू 45,000। कौन सी प्रोफाइल है, अप्लाई कैसे करना है, और जब आप अप्लाई करोगे तो ऑफिशियली वेबसाइट के URL लिंक पे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू जॉब वैकेंसी रिजल्ट। मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूं यहाँ पे JW मैरिट एंड EY रिक्रूटमेंट 2022 की अपडेट। तो हम पहले बात करते हैं JW मैरिट अपनी होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड। यहाँ पे जो जॉब की प्रोफाइल है आपकी होने वाली है ग्राफिक डिजाइनर की। यस, ग्राफिक डिजाइनर की प्रोफाइल से एक चीज क्लियर इंडिकेट होती है कि यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है कि आप कितने क्रिएटिव पर्सन हो। तो यहाँ पे जस्ट एनी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन का कोई बैरियर नहीं है। स्किल सेट के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनर की, तो आपको रेलिवेंट सॉफ्टवेयर आने चाहिए। इट डजंट मैटर कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर पे काम आता है, मेन चीज यहाँ पे ये रहती है कि आप जिस भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं आपका वर्क अप टू द मार्क होना चाहिए। आप यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम में जाएंगे तो आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए मार्केटिंग से रिलेटेड, आपको पीपल अप्रोच से आइडिया होना चाहिए, आपको कलर थीम से रिलेटेड आइडिया होना चाहिए, आपको अलाइनमेंट से रिलेटेड आइडिया होना चाहिए। तो ग्राफिक डिजाइनर प्रोफाइल से ही क्लियर हो जाती है कि भाई ये सब आपका स्किल सेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे सुटेबल और परफेक्ट कैंडिडेट इनके लिए होने वाले हैं। अगर बात करें सैलरी की, इट इज अप्रोक्स 38,000 यहाँ पे मिलेगी। और मैं बताना चाहूंगा सैलरी जो डिपेंड करती है आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करती है, और साथ में आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। देखो फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पर इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस अराउंड 1 year एंड 2 year, तो आपका सैलरी पैकेज यहाँ पे ज्यादा होगा। तो सैलरी वाला पार्ट टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया है। स्टिल आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, डोंट वरी, वी आर हियर। नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके चेक जरूर करें, अप्लाई URL लिंक और ऑफिशियली वेबसाइट का URL लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो फर्स्टली आप रीडायरेक्ट होते हैं हमारी वेबसाइट से। दिस इज अवर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट पे क्या होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट फॉर्मेट में, उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। और उसके बाद आपको अप्लाई URL लिंक पे हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। यू कैन जस्ट सिंगल क्लिक और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे ऑफिशियली वेबसाइट पे। मैं हमेशा अपने वीडियो में ऑफिशियली वेबसाइट को इसलिए फोकस करता हूं, आई रियली वांट कि एवरी सिंगल कैंडिडेट ऑफिशियली वेबसाइट पे जरूर अप्लाई करे। इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली जो भी अपना रिज्यूम अपलोड कर रहे हो, अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, वो HR पे जाता है, फिर आपका रिज्यूम और आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड होती है, देन आपके पास इंटरव्यू कॉल आता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये छोटा होता है अगर आप हमारी वेबसाइट से करते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। डेट्स वाई देखो मेरा पहला काम है कि आपको रियलिटी में लेके जाना, आपको सही इन्फॉर्मेशन देना। तो डेट्स वाई वी आर सेइंग कि आप ऑफिशियली वेबसाइट पे जरूर अप्लाई करें। बात करते हैं अपनी सेकंड प्रोफाइल की, सेकंड कंपनी की। तो सेकंड कंपनी है हमारी बिग फोर EY। तो जितनी भी बिग फोर कंपनी है अकाउंट से रिलेटेड होती है, और अगर कहते हैं अगर आप करियर की स्टार्ट EY PwC बिग फोर कंपनी में करते हैं, तो आप अपने करियर में आफ्टर 15 ईयर वो लेवल अचीव कर लेते हैं जो आपके माइलस्टोन या आपके गोल्स होते हैं। मतलब करियर बिल्डिंग के लिए बहुत ऑसम अपॉर्चुनिटी है। बात करें प्रोफाइल की, तो आपकी एनालिस्ट की पोस्ट होने वाली है। एनालिस्ट की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे कॉमर्स बैकग्राउंड और IT बैकग्राउंड के मिक्सिंग होती है। मतलब अगर आपने BTech करी है या आपने BCom वगैरह करा है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पे मेजरली आपको डाटा से रिलेटेड काफी सारी चीजें आनी चाहिए, आपको एडवांस एक्सेल यहां पे आना चाहिए, डाटा से रिलेटेड बहुत सारे CRM होते हैं उन पे काम आना चाहिए, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की और नंबर्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन यह आता है कि यार एनालिस्ट के अंदर आपके क्वालिफिकेशन क्या इंपॉर्टेंस रहती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्वालिफिकेशन से ज्यादा ना यहाँ पे ये चीज देखी जाती है कि आप कितने पैशनेट हैं किसी के नंबर्स को लेके, क्योंकि आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे होगी, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके नंबर पे, आपके डाटा पे। तो डाटा को रेंडर करना, सही इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, ये एक मेजर काम होता है एक एनालिस्ट का। तो अगर आपको ये काम आता है तो यू आर द परफेक्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट, और इसी के बेस पे ही आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। सो आई होप आपको ये प्रोफाइल भी क्लियर हो गई होगी। अगर स्टिल कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, डोंट वरी, वी आर हियर। नीचे आपका कमेंट सेक्शन अवेलेबल है। बात करें सैलरी की, आपकी काफी ऑसम सैलरी 48,000 तक रहेगी। बात करें लोकेशन की, ये बैंगलोर होने वाली है। काफी सारे कैंडिडेट मुझे बोलते हैं सर वर्क फ्रॉम होम, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर
कोई सिचुएशन है तो वो जॉब जो अभी मैंने आपको बताई है ऑटोमेटिकली वर्क फ्रॉम होम हो जाएगी। अगर कोई सिचुएशन नहीं है कोविड की तो वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगी। तो वर्क फ्रॉम होम एग्जैक्टली बताना बहुत डिफिकल्ट होता है, टोटली डिपेंड कि उस टाइम पे क्या सिनेरियो चल रहा है। और साथ में यहाँ पे जैसे मैंने करियर की बात करी तो मैं थोड़ा सा करियर को फोकस पे करना चाहूंगा कि फर्स्ट आप एनालिस्ट हायर होते हो और आपके पास जब 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपके यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर, डाटा एनालिस्ट, डाटा इंजीनियर तक की प्रोफाइल पे जा सकते हो जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन एड ऑन हो जाती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपके करियर पाथ को बूम मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। सो आई होप सो आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, वीडियो का आप लाइक कर चुके होंगे। अप्लाई लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।